एआईएमआईएम ने गया के दलित प्रत्याशी रंजन पासवान को किया अपमानित एंड मौके पर चुनाव लड़ने से किया इनकार। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीबीएन 24 पे और मैं हूँ आपके साथ रिशु चौधरी। गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी रंजन पासवान ने कहा कि जब चुनाव नहीं लड़ना था तो मीडिया के सामने क्यों प्रमोट किया गया था। जब मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं गया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि ओबीसी केवल अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, वह अंबेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। दलित विरोधी पार्टी है, दलित के बेटा का अपमान किया गया है। हमारे द्वारा गया जिला के कई बड़े संघर्ष किया गया था जिसका परिणाम एरो स्टील प्लांट, केंद्रीय विश्वविद्यालय का खुलना और बीथो वियर बांध का सरकार के नजर में है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगता बड़ी पार्टियों से पैसा लेकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वहीं एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जफर ने कहा कि पार्टी पर्यवेक्षक ने गया लोकसभा चुनाव क्षेत्र का दौरा किया और रिपोर्ट दिया कि अभी पार्टी का गया लोकसभा चुनाव क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहले गया संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं और उस दिन कार्यालय में मगध प्रभारी, जिला प्रभारी और जिले के तमाम पदाधिकारियों के जरिए एआईएम के माध्यम से कैंडिडेट घोषित किया गया था। प्रदेश के लोग भी ये हमसे कह रहे थे कि ऑथोराइज किए थे हम परमंडलीय पदाधिकारी, मगध परमंडल के जो प्रभारी हैं मतलब खान जी, उनको और चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। चुनाव के मतलब कैंडिडेट की घोषणा होते गया के मतदाताओं में जो रुझान बना, जो बड़ा मजबूत बना एएमआई के प्रतीक और कुछ हमारे संघर्षों के प्रतीक, दोनों मिलाकर लग रहा था कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पार्टी के लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन अंतिम दौर में 28 तारीख के शाम में प्रदेश अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम गया नहीं लड़ेंगे। यह हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का यह निर्णय कि ऐसा क्यों किए अगर नहीं लड़े। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पार्टी के साथ मजबूरी ये रही है कि हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ में एमआईएम के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूत किया और काम किया और मगध में हमारी पार्टी बहुत मजबूत थी। यहाँ हमारी पार्टी को हम लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट बना करके भेजा कि यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं हम लोग, हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ सकती है और हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में रंजन जी को प्रत्याशी भी घोषित किया। लेकिन सवाल ये होता है कि हमको पहले ये देखना है कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब, उनका सेकेंड फेज में चुनाव है और वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यहाँ चुनाव लड़ाते हैं तो उनके लिए हम टाइम नहीं दे पाएंगे, हमारे गया जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं वो टाइम नहीं दे पाएंगे, हमारी ये मजबूरी रही तो हमको ये चुनाव को कैंसिल करना पड़ा और जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं वो सब वहाँ जा करके उनके लिए समय देंगे। उसके बाद जो उस चुनाव के बाद जो समय बचता है सेकेंड फेज के बाद, तो थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, फिर हम देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।